आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ख्वाजा गुलाम फकीर रहमतुल्लाह अलैह चेयर के हवाले से मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास है। मेरे लिए भी ये एज़ाज़ की बात है कि आप जैसे दोस्तों में इस मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर होना, और मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हज़रात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एजाज़ है कि इंशाल्लाह ये ख्वाजा फरीद चेयर इतना तरक्की करेगी कि हम लोग इस बानी मेंबर में शामिल हों। और मैं खास तौर पर हमारे चोरिस्तानी कल्चर को जितना आप उजागर कर सकते हैं वो करें ताकि हमारे आने वाले नस्लें इसको देख सकें कि हमारा नया कल्चर ये था। आपकी बड़ी मेहरबानी। और मीडिया के हवाले से मेरे साथ जितने भी चैनल के दोस्त रिलेटेड है वो भी आएंगे, कॉलमिस्ट भी आएंगे, और जितना भी मैं कर सकता हूँ इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे आपके साथ। शाला शाला और हमारी सोशल मीडिया की जो ऑडियंस है वो इससे डिसकनेक्ट है, तो हम कोशिश करेंगे उनको वहाँ कनेक्ट करने की। दूसरी, अभी की शक्कर भाई ने उसमें सजेशन दी थी लोकल सिंगर्स की, तो लोकल सिंगर्स की यहाँ प्रमोशन की ओर देगी। और मेरी ये सजेशन बहुत अच्छी लगती है कि वन ऑफ दी सिंगर मैं चाहूँगा शक्कर भाई को, तो वो रेफर करें मेरे प्रोग्राम के लिए, तो उनका जो कलाम था वो अपने प्रोग्राम के थ्रू उनकी पार्टिसिपेट करवाऊँगा सिंगर को, ताकि मेरे सिंगिंग के इसकी हम प्रमोशन कर सकें। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो हमारे पार्टिसिपेंट होंगे ये डे में हमारा इवेंट होगा, मैं कोशिश करूँगा, मेरे शहजाद साहब की रिक्वेस्ट है कि दो से तीन लोग जो स्पीकर हैं उस डे में उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। उसमें ये होगा कि हम थोड़ा डेली सेलिब्रेशन के हमारे जो कि फिजिकली सेलिब्रेट हुआ होगा उस डे में उसको हम थोड़ा कमेमोरेट कर लेंगे, थोड़ा शेयर कर लेंगे। उसके कि उन्होंने बैनर्स अवेजा देते हैं छोटे छोटे बड़े खूबसूरत आइडियाज निकलते हैं, ऐसा हिप कोट हिप शेप कहीं भी काफ़ी दा ख्वाजा साहब के हर काफ़ी चुके हैं के वो कुछ शहर के अगर असर बैनर के तौर पर या स्पीकर जिन्होंने उन्होंने तौर पर लोग अट्रैक्शन करने के लिए लोगों के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट भवन और आर्ट काउंसिल मिल के एक ख्वाजा फरीद विलेज में आदमी तौर पर एक गीत चलाया, उसी के बड़ा खूबसूरत गीत पूरे रोजी का कल्चर चलाया, वो भी सारे लोग मौजूद हैं जिसे सब सपोर्ट करते हैं, उतना पूरे रोजी का ऐसा विजनरी आदमी मिला है जिसने बहुत कम टाइम में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी जो कि बिल्कुल नेसेंट यूनिवर्सिटी थी, बिल्कुल पहली दफ़ा बी सी शेफ भी डॉक्टर साहब की वहाँ पहली दफ़ा थी, उसको भी इन्होंने कुछ सालों में बल्कि कपल ऑफ ईयर्स में एक बहुत मौसर और फाल इदारा हमारी आंखों के सामने बनाया है। ये एक विजनरी लीडर का काम है। वहाँ पर भी जब तशरीफ लाए हैं अभी से साथ उन्होंने इस्लामी यूनिवर्सिटी को भी विद इन 3 मंथ्स हमें नज़र आ रहा है बाहर आप अंदर बैठते हैं बाहर से नज़र आ रहा है कि यूनिवर्सिटी का एनवायरमेंट चेंज हो गया है, यूनिवर्सिटी का पूरा माहौल यूनिवर्सिटी का। आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ख्वाजा गुलाम फकीर रहमतुल्लाह अलैह चेयर के हवाले से मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास है। मेरे लिए भी ये एज़ाज़ की बात है कि आप जैसे दोस्तों में इस मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर होना, और मैं तमाम मौजूद मेंबरान हजरात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एजाज़ है कि इंशाल्लाह ये ख्वाजा फरीद चेयर इतना तरक्की करेगी कि हम लोग इस बानी मेंबर में शामिल हों। और मैं खास तौर पर